Do you really think I should cut my hair and beard? Because I'm confused. रिसेंटली इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे जो मैं अभी अभी पढ़ रहा था कि आईफोन यूज़र 167 टाइम्स मोर एट रिस्क ऑफ बीइंग हैक देन एंड्रॉयड फोन यूजर्स रियली। और इस आर्टिकल का बेस पता क्या है? इंटरनेट पे आईफोन को हैक करने के सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं, हाउ टू हैक एन आईफोन। सिर्फ ये बेसिस पे इन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है कि आईफोन 7 इज 167 टाइम मोर एट रिस्क ऑफ बीइंग हैक। आई मीन क्या रिडिकुलस आर्टिकल है यार ये। एक सर्वे हुआ है जिसमें यूके बेस्ड कंपनी है case24.com जिसने डाटा एनालाइज किया है गूगल के मंथली सर्च वॉल्यूम से, जिसमें ब्रिटिश पीपल, गौर फरमाइए, ब्रिटिश पीपल आर लुकिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू हैक डिफरेंट एप्स ऑन स्मार्टफोन। The total search volume for iPhone was 10,014 Britain, significantly higher than Samsung. Sony was at the bottom with just 50 searches. मतलब Sony के फोन हम आ भी रहे हैं जो कोई उन्हें सर्च करेगा कि Sony के फोन कैसे हैक करने। I mean, क्या ridiculous article है यार, सिर्फ clickbait है, that's it, nothing else. मतलब iPhone users क्या पागल हैं? एप्पल कंपनी पागल है जो इतने महंगे महंगे फ़ोन बना के बेच रही है और वो इतनी आसानी से हैक हो जाएंगे? ऑब्वियसली लोग उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करेंगे ना जो हैक करना इम्पॉसिबल है या डिफ़िकल्ट है। सिर्फ उसी बेसिस पे ये आर्टिकल बना के इन्होंने पब्लिश कर दिया। आई मीन यार कुछ भी करते हैं आजकल ये, कुछ भी। क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? आज 1 जनवरी है, न्यू ईयर है, सबकी छुट्टी है, एंड हियर आई एम इन द ऑफिस अगेन अलोन। यू नो मेरे घर से ऑफिस तक आने में 40-50 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आज इट टुक मी ओनली 25 मिनट्स टू रीच हियर ऑन बाइक। सारे रूट्स खाली थे, सबकी छुट्टी है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है। पता है क्यों? तू कहाँ जा रहा है? ये पट्टा नहीं दिख रहा गले में? और आज तो संडे है भाई, कुत्तों का कोई संडे नहीं होता, कुत्ते सातों दिन कुत्ते ही होते हैं, जिन्हें मैनेजर ना साला कभी भी लात मार के जगा सकता है। Exactly. Choose your profession wisely. हाँ जी, जोक्स अपार्ट, जो भी मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करता हूँ, आई एम रियली हैप्पी, आई एम वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर। और मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साल के पहले दिन, नए साल के पहले दिन आप जो भी करते हैं ना, पूरे साल वही रिपीट होता है। तो मैं साल के पहले दिन खाली नहीं बैठना चाहता था, मेरा मन कर रहा था कि मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन
एक तो रीज़न ये था कि मैं साल के पहले दिन खाली नहीं बैठना चाहता था, दूसरा मेरी जो लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो है जिस कंपनी के लिए, जिस यूट्यूब चैनल के लिए मैं काम करता हूँ, वो एडिट पे लगी हुई है और जब तक मैं एडिटर के साथ बैठूंगा नहीं वो एडिट करेगा नहीं। तो दूसरा रीज़न ऑफिस आने का ये था कि मुझे वो वीडियो एडिट करवानी है और एज सून एज़ पॉसिबल अपलोड करवानी है, तो बाय द टाइम जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी एडिट होके। तो ये रीज़न था एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं, दौलत शोहरत सब कुछ मिले आपको जो भी आप चाहते हैं, और किसी का बुरा मत कीजिएगा, अपना अच्छा कीजिए लेकिन किसी दूसरे का बुरा मत कीजिए। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। टोकरी में 10 आम थे, उसमें से 2 सड़ गए, तो बताओ कितने बचे? 10 बचे। कैसे? सड़ने से आम केले थोड़ी ना बन जाएंगे।